Hey everyone and welcome back to yet another video. और आज की वीडियो थोड़ा स्पेशल, थोड़ा सा डिफरेंट होने वाली है, बिकॉज़ यूजुअली मैं अपने वीडियोस स्क्रिप्ट करके बनाता हूँ. आई प्लान आउट कि मैं को आपको क्या क्या चीज़ें बतानी है, क्या शेयर करना है, व्हाट्स द मेन थिंग ऑफ द वीडियो, आज की वीडियो में क्या शेयर करूँगा. सो यूजुअली वैसा होता है एंड देन आई प्लान आउट कि मुझे क्या इन्फॉर्मेशन देनी है, क्या आपके लिए अभी बहुत ज़्यादा है एंड इट्स रियली टू मच फॉर यू टू टेक. बट आज की वीडियो स्क्रिप्टेड नहीं है, थोड़ी दिल से दिल की बात हो रही है. कुछ इंपॉर्टेंट थिंग है जो मुझे आपसे शेयर करना है. इनफैक्ट मुझे आपसे फीडबैक लेना है टू नो कि आपकी प्रेफरेंस कैसी है. तो आज की वीडियो ज़रा इंपॉर्टेंट है, एंड तक जरूर देखना और प्लीज़ एंगेज करना. जो मैं इस वीडियो में आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, एंगेजमेंट करना एंड डू लेट मी नो आपका प्रेफरेंस क्या है. वॉच द वीडियो टू नो व्हाट दिस वीडियो अबाउट. सो बिफोर वी कंटिन्यू, इफ यू गाइज आर न्यू हियर ऑन दिस चैनल, अगर आप इस चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो इस चैनल का नाम है द फ्लाई ट्यूबर. वेल आई नो यू गाइज नो इट ऑलरेडी, बट इस चैनल पर मैं एविएशन रिलेटेड वीडियोज़ बनाता हूँ. टॉपिक्स दैट आर यू नो रिलेटिंग टू पायलट ट्रेनिंग, आप पायलट कैसे बन सकते हैं, पायलट की सम थियरी वगैरह एंड यू नो लॉट ऑफ डिफरेंट स्टफ ऑन दिस चैनल ऑल अबाउट एविएशन. तो अगर आप चैनल पे नए हैं और आप एक खुद एविएशन एंथुसियास्ट हैं, अगर आपको एविएशन में इंटरेस्ट है और आपको एविएशन रिलेटेड टॉपिक्स के बारे में पता करना है और आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले जाके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना. बढ़ते हैं वीडियो की तरफ और देखते हैं कि क्या ऐसी इंपॉर्टेंट बात है जो मुझे आप सबसे करनी है. वेल टू कट टू द चेस और फॉर दोज ऑफ यू हु प्रिफर इंग्लिश, दिस वीडियो इज अबाउट अ लेटेस्ट कम्युनिटी टैब post that I did on my YouTube channel. By the way, you can head to my community tab by clicking on the link in the description or in the iCard, and over there I posted a poll or a vote as to whether you guys want me to continue making videos in English or is it your preference that I make the videos in Hindi. So do let me know. All you have to do is just click on English or Hindi and that will tell me your preference and your suggestion. In this video I'm going to be explaining the reasons and factors why did I consider asking your preference, but that's going to be in Hindi. So let's head towards the video. देखते हैं क्या है. तो गाइस बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो YouTube एनालिटिक्स, जो YouTube मेट्रिक्स हमें शेयर करती है, जो YouTube हमें बताता है कि भाई आपके चैनल पे व्यूअर्स कौन है, क्या एज के हैं, मेल ज़्यादा हैं या फीमेल हैं. उन्हीं मेट्रिक्स में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डेटा जो YouTube हमें बताता है, दैट इज़ YouTube will tell us कि what is your geography, मतलब आपके जो subscribers हैं, आपके जो viewers हैं, उनकी geography, उनका geographical location क्या है, ज़्यादातर viewers किस location से आ रहे हैं, right? So एक बहुत ही ज़्यादा important चीज़ है, because accordingly हम अपना जो content है उसको हम curate कर सकते हैं, create कर सकते हैं according to, you know, we can blend it as per viewers कहाँ से ज़्यादा आ रहे हैं. एंड अभी से नहीं, चैनल इज़ अबाउट 9 months ओल्ड नाउ और इन दीज मंथ्स आई हैव ऑलवेज यू नो केप्ट अ टैप ऑन. मैं हमेशा चेक करता रहता हूँ कि चैनल पे वीडियो जो व्यूअर्स हैं वो कहाँ से आ रहे हैं. एंड अबाउट 81 or 87% ऑफ द व्यूअर्स जनरली, समवेयर बिटवीन 80 to 90% जो व्यूअर्स हैं वो हैं इंडिया से. एंड जो बाकी 10% है उसमें से भी देर इज़ अ ह्यूज मेजोरिटी फ्रॉम पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश. सो दिस टेल्स मी अ रियली इंपॉर्टेंट थिंग, दैट इज मोस्ट ऑफ व्यूअर्स आर फ्रॉम इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, साउथ एशिया. और यहाँ पे हिंदी एक बहुत ही ज़्यादा डोमिनेंट लैंग्वेज है. हिंदी उर्दू इज़ वन एंड द सेम, ऑलमोस्ट वेरी सिमिलर टू अदर. अगर आप हिंदी जानते हो तो मोस्ट ऑफ द उर्दू यू ऑलरेडी विल अंडरस्टैंड, राइट? सो इवन इफ यू आर व्यूइंग फ्रॉम पाकिस्तान, आपको फिर भी मेरी वीडियोज़ अगर मैं हिंदी में ही बनाऊँ तो भी आपको समझ में ज़रूर आएंगी, राइट? तो यही है इस वीडियो का इंपॉर्टेंट थिंग जो मुझे आपसे डिस्कस करना था, दैट इज़ द लैंग्वेज. लेटली इस चैनल पर मैंने 2 वीडियोज़ बनाए हैं जो लैंग्वेज से रिलेटेड, इनफैक्ट 3 वीडियोज़, कि भाई इंग्लिश एविएशन में इंपॉर्टेंट क्यों है, इंग्लिश ही क्यों यूज़ होती है और फिर आप इंग्लिश कैसे इंप्रूव कर सकते हैं एंड ऑल. और आज की वीडियो में मेन टॉपिक है लैंग्वेज, कि भाई आपका प्रेफरेंस क्या है. दिस चैनल इज़ नॉट अबाउट मी, दिस चैनल इज़ अबाउट यू गाइस. ये चैनल मैंने जो बनाया था आपकी मदद करने के लिए, टू हेल्प यू गाइस, कि आपको इन्फॉर्मेशन मिले, अगर कोई मिथ्स हैं वो बस्ट कर सकूं मैं, आपको क्लियर इन्फॉर्मेशन दे सकूं एविएशन से रिलेटेड, राइट? तो उससे रिलेटेड ये वीडियो है कि भाई लैंग्वेज क्या है, आपकी प्रेफरेंस क्या है, ठीक है? As for me, अगर आप मुझसे पूछो, I am really totally okay. अगर आप कहो मुझे I'll be really happy to make the videos in English और in Hindi, मेरे लिए कोई problem नहीं है. मैं हिंदी में भी videos बना सकता हूँ, English में भी बना सकता हूँ. But ये एक debate है जो मेरे खुद के mind में जब से channel start हुआ, इनफैक्ट उससे पहले से मेरे mind में ये debate चल रहा है. और उसके बाद भी काफ़ी लोगों ने भी ये चीज़ डिबेट किया है कमेंट में. कई लोग कहते हैं आई एम फ्रॉम केरला या फिर आई एम फ्रॉम श्रीलंका एंड वी आर तमिल स्पीकर्स, हमें हिंदी नहीं आती, प्लीज़ कीप योर वीडियोज़ इन इंग्लिश ओनली.
और ऑन दी अदर हैंड बहुत लोग ऐसे हैं जो कहते हैं यार प्लीज़ हिंदी बोल लिया करो, इंग्लिश आप बहुत फास्ट बोलती हो या फिर आपकी इंग्लिश हमें उतना समझ में नहीं आती है, एंड इट्स बेटर इफ़ यू अगर आप वीडियोज़ हिंदी में रखें, हमें ज़्यादा समझ में आएगा। पॉइंट ही क्या है आपकी वीडियो बना की जगह अगर आपके व्यूअर्स को ही आपकी वीडियोज़ समझ में ना आए, जो कि मेजॉरिटी हिंदी समझते हैं, राइट? तो ये एक बहुत बड़ा डिबेट है। नाउ अगर आप पूछो कि यार अगर मेरे सारे व्यूअर्स, मोस्ट ऑफ द व्यूअर्स इंडिया पाकिस्तान से हैं, तो मैं सिंपली वीडियोज़ हिंदी में क्यों नहीं बना देता, राइट? तो उसका एक बहुत बड़ा रीज़न था, मैंने पिछली वीडियो में भी ये बात शेयर की थी कि भाई इंग्लिश बहुत ही इंपॉर्टेंट है एविएशन में, ठीक है? अब ये ट्रूथ है, इसका हम कुछ नहीं कर सकते, वी कांट डू एनीथिंग, हम जाके पूरी दुनिया को नहीं बदल सकते कि भाई हिंदी यूज़ करो एविएशन में, राइट? तो एविएशन में अगर आपको पायलट बनना है तो आपको इंग्लिश आना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। दिस इज़ नॉट अ हिडन फैक्ट, मैंने इसके बारे में वीडियोज़ पहले बना दिया था, आप वो वीडियो जाके देख सकते हैं, मैं लिंक आई कार्ड वगैरह में दे दूंगा, राइट? लेट मी पुट द कैमरा हियर ताकि मैं आपसे वन ऑन वन बात कर सकूं, ओके? तो ये है, इंग्लिश इज़ रियली इंपॉर्टेंट इन एविएशन। मेरा जो थिंकिंग है, जो अभी तक रहा है अबाउट 10 months ऑन दिस चैनल राइट नाउ, जो मेरा अब तक का थिंकिंग रहा है इस चैनल पे, वो ये है कि आई वॉन्ट टू सर्व, आई वॉन्ट टू हेल्प यू गाइज, ठीक है? जो मेन मेरा जो टारगेट है वो ये है कि जो लोग को पायलट बनना है, जिन्हें भी इंटरेस्ट है इस बारे में, देर इज़ नॉट अ लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन। अब शायद धीरे धीरे इन्फॉर्मेशन आ रही है, स्पेशली जब हम पायलट बनने के लिए आए थे तब तो यार उस टाइम पे इन्फॉर्मेशन बिल्कुल भी अवेलेबल नहीं थी। तो व्हाट वाज माय थिंकिंग व्हेन आई स्टार्टेड द चैनल एंड फॉर मोस्ट ऑफ दिस 10 months एज वेल, कि जब मैं ये चैनल बना रहा हूँ आपको हेल्प करने के लिए, आपकी भलाई के लिए बना रहा हूँ, तो वाई नॉट हेल्प यू गाइस? आपको रियलाइज भी नहीं होगा और मैं आपको हेल्प कर सकता हूँ, दैट वॉज माई थिंकिंग। अगर समझ में नहीं आ रहा तो बेसिकली व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यूर इज, अगर मैं अपनी वीडियोस इंग्लिश में बनाऊंगा, बिकॉज पायलट बनने के लिए इंग्लिश भी आना जरूरी है, तो आप जब मेरी वीडियोस देखोगे तो आपको एविएशन का नॉलेज तो पता चलेगा ही चलेगा, साथ ही साथ आपकी इंग्लिश भी इंप्रूव होगी बिकॉज यू आर कंटिन्यूसली लिसनिंग टू इंग्लिश, राइट? तो दैट इज़ अ रियली की रोल। ये बात मैंने उस वीडियो में, लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था, जिसमें मैंने आपको बताया था कि आप इंग्लिश कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। तो मैंने कहा था कि आप जब कोई यूट्यूब वीडियो देख रहे हो, आपको कोई रेसिपी बनाना है, ठीक है, आपको कोई इंग्रेडिएंट या फिर आपको कोई आर्ट की ड्राइंग करना है, तो उसी टॉपिक के ऊपर एक इंग्लिश क्रिएटर की भी वीडियो हो सकती है और सेम टॉपिक के ऊपर एक हिंदी क्रिएटर की भी वीडियोज हो सकती है। अगर आपको इंग्लिश इंप्रूव करना है, ट्राई एज मच एज यू कैन टू वॉच वीडियोज फ्रॉम इंग्लिश क्रिएटर्स, इंग्लिश मूवीज देखें, बहुत सारी टिप्स थे, यू कैन वॉच दैट वीडियो। तो दैट वॉज द थिंग, मैं चाह रहा था कि आई वुड लाइक टू इम्प्रूव, आपकी इंग्लिश भी इम्प्रूव हो और साथ में आपकी नॉलेज, एविएशन नॉलेज भी इम्प्रूव हो। सो दैट वाज द मेन रीजन व्हाई आई वाज रिलक्टेंट एंड आई केप्ट, आई थिंक 62 वीडियोज अब तक मैंने चैनल पर बनाया है और मोस्ट ऑफ दीज वीडियोज आर इन इंग्लिश, ओनली आई थिंक 3 वीडियोज एंड दिस इज द 4th आई गेस जो एंटायरली हिंदी में है, अदरवाइज मोस्ट ऑफ द वीडियोज आर इन इंग्लिश ओनली। तो बस इससे ज्यादा आपका कोई टाइम ना लेते हुए आपको सिर्फ करना क्या है, ठीक है, ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट क्यों है? सी, ये चैनल पे जब मैं वीडियोस बनाता हूँ, इट टेक्स अ लॉट ऑफ एफर्ट, बहुत मेहनत लगती है एक वीडियो के पीछे। जो 10 मिनट का वीडियो आप देखते हो उसके पीछे अगर मुझे वीडियो आइडिया कि भाई किस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाना है वो आ जाए, उसके बाद मुझे स्क्रिप्ट करना होगा कि मुझे क्या क्या चीज़ें आपको बताना है, क्या नहीं बताना, क्या आपके लिए बहुत ज़्यादा है, वो हो जाएगा। नेक्स्ट इज शूटिंग इटसेल्फ, शूटिंग में बहुत सी चीज़ें हैं, कैमरा ऑपरेट करना, चार्ज्ड अप है या नहीं, लाइट्स लगेंगी, ट्राइपॉड, एंगल, कहाँ पे शूट करूँगा, ऑल ऑफ दैट सॉर्ट, और फिर कई सारे टेक्स एंड रीटेक्स जो शायद एडिट में आपको दिखते भी नहीं एडिटिंग के बाद। तो शूटिंग इज वन थिंग, फिर आप उसको एडिटिंग करोगे विच इज़ द होल लॉट, अ ह्यूज चंक, ऑलमोस्ट हाफ ऑफ माय टाइम गोज इन एडिटिंग ओनली। एडिटिंग के बाद फिर उसे अपलोड करना, उसमें टाइटल, डिस्क्रिप्शन, टैग्स, ये सब डाल के फिर उसके बाद इसको शेयर करना, आप लोग कमेंट्स करते हैं, आप देखते हो कि मैं अपनी तरफ से ट्राई करता हूँ एज मच एज आई कैन, आई रिप्लाई टू ईच एंड एवरी वन ऑफ द कमेंट एज मच एज, सब कमेंट्स में तो मैं रिप्लाई नहीं कर पाऊंगा ऑब्वियसली, बट देन बाकी चैनल से आई थिंक यू कैन सी दैट आई डू बेटर इन रिप्लाइंग टू द कमेंट्स, सो दैट इज ऑल्सो ह्यूज थिंग। तो इतनी मेहनत लगती है एक यूट्यूब वीडियो बनाने में, मैं ये सोच रहा था कि मैंने अपनी तरफ से कोशिश किया, 62 वीडियोज आर अ लॉट, मैंने अपनी तरफ से इंग्लिश में वीडियोस बनाए हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे हैं, हाउ यू कैन बिकम अ पायलट, व्हाट आर द रीजंस टू बिकम अ पायलट, व्हाट रीजंस आर देयर नॉट टू बिकम अ पायलट, तो बहुत सारे इंपॉर्टेंट वीडियोस बनाए मैंने। आई थिंक दैट इज इनफ फॉर मी टू कवर इट इन इंग्लिश, बट स्टिल अगर आपको इंग्लिश में वीडियोज चाहिए तो डू लेट मी नो। आपको कुछ नहीं करना है, द ओनली स्मॉल थिंग दैट यू हैव टू डू इज मेरे YouTube के कम्युनिटी टैब पे मैंने एक पोस्ट करा है, एक पोल डाला है, पोल इज बेसिकली यू नो वोट, यू हैव टू वोट कि भाई आपका प्रेफरेंस क्या है। तो वहाँ पे कुछ नहीं है, सिर्फ दो ऑप्शंस हैं, इंग्लिश हिंदी, आपका जो प्रेफरेंस होगा आप उस वोट में जाके आप अपना वोट डाल देना कि आपका प्रेफरेंस इंग्लिश है या हिंदी, दैट विल टेल मी कि भाई ज़्यादा लोग क्या प्रेफर करते हैं। एंड सिंस दिस चैनल इज अबाउट यू गाइस,
आई विल डू एग्जैक्टली दैट. आप जो कहोगे मैं उसमें ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट करूँगा, वैसी वीडियोज़ ज़्यादा बनाऊँगा, बीट इंग्लिश और हिंदी. और उस कम्युनिटी टैब का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा और ऊपर आई कार्ड पर भी फ्लैश कर दूंगा. यू कैन क्लिक इट डायरेक्टली और वो सीधा आपको कम्युनिटी टैब पे लेके जाएगा. एंड वहाँ पे एज ऑफ नाउ मेरा जो लेटेस्ट पोस्ट है वो वही पोल है, दैट इज द सेम वोट. आप जाके वहाँ पे वोट कर सकते हैं, यू वॉन्ट टू द वीडियोज टू बी इन इंग्लिश और हिंदी. एज ऑफ नाउ वो मेरा लेटेस्ट पोस्ट है. मे बी यू आर वॉचिंग दिस वीडियो लेटर ऑन, तब शायद वो लेटेस्ट पोस्ट ना हो, बट मे बी बाई देन आई माइट हैव ऑलरेडी टेकन अ डिसीजन. सो या, हेल्प मी हेल्प यू गाइज, दैट इज वॉट इज दिस वीडियो इज ऑल अबाउट. मेरी हेल्प करिए ताकि मैं आपकी हेल्प कर सकूँ. वीडियोज टेक अ लॉट ऑफ एफर्ट्स टू मेक एंड आई वॉन्ट यू गाइज टू व्यू एज मैनी वीडियोज एज यू कैन. इससे आपकी ही भलाई होगी. शायद आपको वीडियोज हिंदी में पसंद आती हो तो आई विल मेक द वीडियोज इन हिंदी, नो इशूज इन दैट. बट येस, इंग्लिश एक इंपॉर्टेंट थिंग है इन एविएशन. इवन इफ आई मे हैव टू स्टॉप और रिड्यूस मेकिंग वीडियोज इन इंग्लिश, फिर भी इट्स फाइन विथ मी. मैं वीडियोज हिंदी में बना सकता हूँ और इंग्लिश में भी आई एम कंफर्टेबल विथ आइदर ऑफ देम. सो येस, इस वीडियो में सिर्फ इतना ही शेयर करना था. थैंक्स अलॉट फॉर योर टाइम एंड प्लीज प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू गो अहेड and give your vote English or Hindi, and also do not forget to subscribe to the channel, share this video with your friends, and stay tuned to the FlyTuber. Amazing contents planned ahead for you guys, and I'll be coming up with interesting video bahut hi jald. Tab tak ke liye, happy landings.